नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मरने मारने की बात कहकर तौकीर रजा देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है? मौलाना तौकीर को किस शाहीन बाग जैसी साजिश का प्लान कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि यूपी हरियाणा से महाराष्ट्र तक नफरती और धमकी भरा एजेंडा किसका है? तौकीर रजा देश में घूम घूम कर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तौकीर रजा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भड़काऊ बयान दिया। अब तौकीर रजा मुसलमानों से कह रहे हैं कि दूसरे कौम के किसी शख्स को पकड़ो और इतना पीटो जब तक वो मर ना जाए। इतना ही नहीं, मौलाना मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को दिल्ली की सड़कों पर कूच करने का आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तौकीर रजा भड़का रहे तो राहुल गांधी के विधायक मामन खान और अखिलेश के सांसद खुलेआम धमकी देने पर उतारू हैं। सवाल है कि क्या सबका एजेंडा एक है और टारगेट पर हिंदू है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर जो पैमाना छलक गया तो नतायज बहुत खराब हो सकते हैं। तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इत्तेहादे मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जब भी अपनी जुबान खोलते हैं सिर्फ नफरत और मरने मारने की बात करते हैं। बरेली के इस मौलाना ने एक बार फिर ऐसा ही जहर उगला है। तौकीर रजा मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे। इस बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस नफरती मौलाना ने देश को दंगे की आग में झोंकने वाला बयान दिया है। तौकीर रजा सारी हदें पार कर रहे और अब मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसाने में लगे। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर जो पैमाना छलक गया तो नतायज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते, क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मार रहे हैं। तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। मारो, अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है, मुल्क का संविधान हमें अख्तियार देता है। मुसलमानों को भड़काकर तौकीर रजा देश में फिर से शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की साजिश रच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मौलाना तौकीर रजा को इतनी नफरत हो गई है कि देश के मुसलमानों को दिल्ली कूच करने के लिए भड़का रहे। तौकीर रजा कह रहे जब तक मोदी का इस्तीफा खत्म नहीं हो जाए धरना खत्म नहीं होगा। हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सारा हिंदुस्तान जमा होना चाहिए और सारा हिंदुस्तान इंशाल्लाह जमा किया जाएगा। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात पर नहीं जाता, हम जितने भी हैं अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केरल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। इतना ही नहीं, एक तरफ तौकीर रजा मीडिया से लेकर कोर्ट को बेईमान बता रहे तो वहीं एक दिन पहले तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही और आरएसएस को आतंकी संगठन तक कह दिया।
हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब बिके हुए हैं। और सबसे बड़े अफसोस का मुकाम यह है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता था, भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है और ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आजादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया, देश की आजादी में उनका कोई रोल नहीं रहा, तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग हमारे देश के लिए बेहद घातक हैं। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर सिर्फ मौलाना तौकीर रजा ही नहीं, मुसलमानों को भड़काकर देश में चुनाव जीतने की सियासी साजिश चारों ओर हो रही। राहुल गांधी के सिपहसालार और मेवात से विधायक मामन खान हिंदुओं को मेवात से भगाने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये वही मामन खान है जिनका नाम 13 महीने पहले नूह दंगे में सामने आया था। तो यूपी में अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क यूपी के पुलिस वालों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों से हिसाब लिया जाएगा। अंदाज सबका एक है, धमकी भरा, एजेंडा मुस्लिम वोट है और टारगेट पर सिर्फ हिंदू है। दर्द सबको है, पता सबको है। और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं, जिन जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर, जो भी जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जाँच कराएंगे। क्या चुनाव जीतने के लिए सियासतदान और मौलाना समुदाय विशेष को भड़काने का गंदा खेल खेल रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या ऐसे भड़काऊ और नफरती बयानबाजी कर देश को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश हो रही? क्या मौलाना तौकीर रजा फिर से शाहीन बाग पार्ट 2 कराने की साजिश रच रहे? सबसे बड़ा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी से इन लोगों को इतनी नफरत हो गई है इसीलिए जहरीली बयानबाजी की जा रही जिससे देश का माहौल खराब हो सके? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो ये सवाल तो उठता है कि मरने मारने के बाद शाहीन बाग वाला प्लान मौलाना चाहते क्या है? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं, आदिल हसन एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी और हाजी नाजिम खान है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल यही है, ये बात बात में मरने मारने की बात, उसके बाद कहेंगे संविधान का राज है, उसके बाद कहेंगे भाईचारा है, भाईचारा बनाकर रखना। पांडे जी, आपको पता है कि पिछले 10 सालों में करीब 700-800 मुसलमानों की मोबलिंजिंग हो गई। क्या आपके पास कोई इसका डाटा है कि जिन लोगों ने मोबलिंजिंग की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने इन मोबलिंजिंग होने वाले मुसलमानों के खिलाफ दो लफ्ज बोले हैं? क्या कभी देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह की कोई बात कही है कि ये जो मोबलिंजिंग हो रही है गलत है? क्या कहेंगे आप ऐसे हालात में? मुसलमान अगर इसके लिए बोलता है तो आप उसको आतंकवादी बता देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं। और जो लोग धर्म संसद करके मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं वो आपके लिए हीरो हैं, वो सनातनी हिंदू हैं, वो आपके साधु संत हैं, उनकी बड़ी भर्सना करते हैं आप लोग, बड़ी वाहवा करते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे एक बात बताइए साजिद रशीदी, आपने एक मिनट बोला की, पांडे जी, एक मेरे ऐसे बयान या किसी का ऐसा बयान दिखाइए जो मुसलमानों को मारने की बात का कहा हो और हमने उसकी वाहवाई कर दी हो। एक सरकार का ऐसा बयान दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि नहीं नहीं ठीक है मुसलमानों को मारा जा रहा है, ठीक हो रहा है। आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें हिंदुओं की लिंचिंग हो गई है? हिंदुओं की लिंचिंग हुई, इस पर डेटा है कोई आपके पास साजिद रशीदी? सुनो सुनो
आपको धर्म संसद याद है हरिद्वार में? हरिद्वार अरे का किसी धर्म संसद में किसी ने कुछ गलत कह दिया तो उसका सपोर्ट थोड़ा नहीं कर रहा है। बात हुई थी नहीं तो ठीक है, उसका सपोर्ट किया गया क्या साजिद रशीद? आपको याद है? मुझे काटे जायेंगे साजिद रशीद, लेकिन आपकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। आप सिर्फ अपने फायदे की बात समझते हैं और सुनते हैं और वही कहना चाहते हैं। मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश में उस नफरत की बात कर रहा हूं जो बीजेपी फैला रही है। तो मरने मारने की बात कहकर नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं मुझे बताइए, मरने मारने की बात कहकर नफरत खत्म हो जाएगी? इस पर बात नहीं होती। नहीं रशीदी जी, एक बार इस पर बात नहीं होती। अरे रशीदी जी, मरने मारने की बात करके नफरत खत्म हो जाएगी? नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं, देश के मुसलमान बच्चों को जागना पड़ेगा। हाँ तो जागे ना। संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दो तो मर्डर का केस नहीं लगता। इस पे केस दर्ज करो और इसको हटाओ यहाँ से। सेल्फ डिफेंस भड़का रहा है देश में दंगा, ये देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम से। यही आतंकवाद फैलाने का तरीका है इनका, सेल्फ डिफेंस के नाम से। इसका माइक ऑफ करो और मैं कहता हूं अभी इसे भगाया। देश में दंगा फैलेगा इस बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से। गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, गरिमावान न्यूज चैनल है, और ये यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियों को भड़का रहा है कि बाहर निकलो सेल्फ डिफेंस के नाम पर। साजिद रशीदी, फैज खान है, आप ही की कौन से हैं? ये वीरेंद्र हिंदू कौन है जो मुसलमान मर के बैठा हुआ? अरे हिंदुओं से इतनी क्यों शर्म आती है? तुझे मैंने बुलाया था, आना हवेली के पीछे अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, अभी तक नहीं आया। वीरेंद्र मेरा वीरेंद्र है, वीरेंद्र सहवाग नाम है, और ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा छक्के ही छक्के, समझ गए? वीरेंद्र नाम है, बोल रहे हैं ना, वीरेंद्र सहवाग नाम है मेरा पूरा, ट्रिपल सेंचुरी जानता है क्या? भड़का रहा है पर्सनली, प्लीज भैया साकिब, कोई किसी को भगाने की बात नहीं करेगा। नहीं फैज खान आप भी नहीं करेंगे और साजिद रशीदी भी नहीं करेंगे, दो लोग नहीं करेंगे। इसका चेक करो इसका सारा। रुकिए, जब बाबा कहते हैं मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखा जाना चाहिए तो ये हिंदू बन के क्यों? नहीं, साजिद रशीदी भड़काइए नहीं, सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर नाम नहीं लिखा जाएगा। बाबा तो कहते हैं हिंदू है वो भी अपना नाम लिखेगा, सिख है वो भी नाम लिखेगा, ईसाई है वो भी अपना नाम लिखेगा। इसी तरीके से कोई मुसलमान दुकान खोलकर बैठा है तो वो भी अपना नाम लिखेगा। तो ये मत कहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए फैसला है। तो ये एक तरफा एजेंडा प्रोपेगेंडा भड़काऊ बातें मेरे सामने मत किया करिए। अब रुक जाइए गुरु प्रकाश पासवान जी, आप देखिए इस देश में, रुकिए साजिद रशीदी प्लीज समझिए। आज से मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बातें रखी और आपने तौकीर रजा की आलोचना नहीं की, कि हर बात में मरने मारने की बात करने लगते हैं। गुरु प्रकाश पासवान इस देश में एक नेक्सस काम कर रहा है और नेक्सस यह है कि मुसलमानों को भड़का दो, मरने मारने की बात करो। आप साजिद रशीदी को आपने यहां पर सुना, तौकीर रजा को उससे पहले सुना, कांग्रेस के विधायक मामन खान क्या कह रहे हैं हरियाणा में वो भी आपने सुना। नहीं देखिए राकेश जी, बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। तौकीर रजा, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने पूर्व के वक्ता को, 2010 में बरेली में दंगे हुए थे, 10 दिनों तक बरेली पूरा शहर बंद था, बहुत हिंसा हुई थी, बहुत अन्याय हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। कोर्ट ने क्या कहा था तौकीर के बारे में? कोर्ट ने क्या कहा था मैं पूछना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा था बरेली हिंसा का मास्टर माइंड कोई है तो तौकीर रजा है। कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था तौकीर रजा के खिलाफ में, लेकिन उसके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है राकेश जी समस्या क्या है? समस्या यह है जब जेंडर जस्टिस की बात होती है, समस्या यह है जब पसमंदा की बात होती है, समस्या यह है जब यहां पे सबके लिए समानता की बात होती है। इनको यूसीसी से दिक्कत है। एक तरफ तो कहते हैं जय भीम जय भीम, बाबा साहब ने कहा था यूसीसी लाओ, आप यूसीसी के विरोध में हैं। एक तरफ कहते हैं जय भीम जय भीम, सीएए के विरोध में हैं आप। सीएए का सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो हमारा दलित समाज का वर्ग है, जो दलित समाज के लोग पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह गए हैं, उनकी नागरिकता को यहां देने के लिए सीए का कानून बनाया गया, आप उसके विरोध में है। नारी के लिए नहीं बोल रहा था उस पर नहीं बोलोगे। गुरु प्रकाश जी आधा मिनट दीजिए। साजिद रशीदी मेरे सामने सुनिए सर प्लीज। साजिद रशीदी मेरे सामने एक तो आधा अधूरा ज्ञान और व्हाट्सएप पढ़कर मत आया करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात है, किसी धर्म के किसी प्रतिष्ठान या फिर मंदिर के खिलाफ आप बोला मत करिए, ना तो पूरी जानकारी आपके पास है। अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए, पहले मैं आपका फैक्ट दुरुस्त करता हूं, और ये बात कल भी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी, और जिस कांग्रेस नेता के कहने पर आप ये बात कह रहे हैं उदित राज माफी मांग चुके हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर परिसर में दुष्कर्म नहीं हुआ, पहला फैक्ट।
मंदिर से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या में एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। मंदिर परिसर और सुनिए, राम मंदिर परिसर में बात करती थी। आपने परिसर की बात की है साजिद रशीदी, काम करती थी वो लड़की। साजिद रशीदी, आपने परिसर की बात की है। मंदिर परिसर में वो लड़की काम करती थी। तो ठीक है, काम करती थी वो लड़की, तो क्या हो गया? दलित थी वो लड़की। हाँ बिल्कुल, दलित थी, नहीं होना चाहिए था। सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्त में है सारे आरोपी। तो मंदिर से मत जोड़िए। साजिद रशीदी सुनिए, आपने जितनी आसानी से एक मंदिर को दुष्कर्म से जोड़ दिया, अभी कोई मस्जिद से जोड़ दे सरतन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। तो प्लीज इस तरीके से मत किया करिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, उसे किसी अपराध से जोड़िए मत। मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ, चलिए। अब सनातनी, नहीं नहीं बिल्कुल आप जोड़ रहे हैं। चलिए गुरु प्रकाश की बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए, अभी शांत रहिए रशीदी प्लीज। गुरुप्रकाश जी, राकेश जी देखिए, राकेश जी आप बहुत सम्मानित एंकर है, इस न्यूज के शो को पूरा देश देखता है, यह अनावश्यक किसी को भी बोलने नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। आपका विरोध यूसीसी से नीतिगत है, यूसीसी के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध सीए से नीतिगत है, सीए के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध ट्रिपल तलाक से है, आपका विरोध 370 से है। तो आप अपने तथ्यों को तो सामने रखिए, शुद्ध रूप से, तर्क के रूप से, तथ्यों के रूप से स्थापित हो चुका है कि मोदी जी के शासन में 40% अधिक मुसलमान समाचार की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हुई है। लेकिन आपको स्वीकार नहीं है बात, आप आज भी दकियानूसी विचार रखना चाहते हैं, जो विचार मुस्लिम राष्ट्रों में नहीं है। आप आज भी महिलाओं को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान महिलाओं को पर्दा के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान समाज के पसमानदा लोगों को, मुसलमान समाज के पिछड़े लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। जो 9,60,000 एकड़ की जमीन है, वो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान परिवारों के कब्जे में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको दंगा भड़काना है, आपकी हिम्मत नहीं है, आप संविधान के ऊपर नहीं है। इस देश में संविधान है, इस देश में शरिया नहीं है, और संविधान की नजरों में सब बराबर है, पुरुष हो, महिला हो, पसमांदा हो, सवर्ण हो, सब बराबर है, और बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है। ठीक है आदिल हसन, रशीदी जी आऊंगा, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए सर। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड कमेंट्री शुरू करते रहेंगे। आदिल हसन, जितनी आसानी से साजिद रशीदी ने यहां पर मंदिर को एक दुष्कर्म से जोड़ दिया, अगर कोई यही मस्जिद से कर देता, किसी दूसरे धर्म के किसी जहां पर पूजा होती है उससे जोड़ देता, तो क्या होता फिर? यह आपको ठीक लगा? राकेश भाई, मैंने पिछले बार भी डिबेट शो में भी बात हुई थी, किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी धार्मिक स्थल को इन चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अगर मंदिर और मस्जिद पे बार बार कंपैरिजन नहीं कीजिए, ये सबके आस्था की चीज है, सबके सेंटिमेंट जुड़े हैं, सब धर्मों की इज्जत करना चाहिए। लकुम दीनको वलिया दीन लायक राफिद दीन, कुरान का इंपॉर्टेंट वर्सेस है। आप अपने, हम तो बार बार आपके चैनल पे, पिछले बार भी मैंने बोला था कि भाई किसी मस्जिद और मंदिर को आप नहीं समझते ना, साजिद रशीदी जैसे लोग बहुत आसानी से जोड़ देते हैं आदिल, और तौकीर राजा को कैसे डिफेंड करेंगे? राकेश भाई, दो चीज होता है, एक बार बार, जैसे तिरुपति का मंदिर का मामला हुआ, पूरे बोर्ड के 25-27 मेंबर थे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, उसमें बीजेपी का एमएलए भी मेंबर था, उसका चंद्रबाबू नायडू कल तक, जगन जो है यही मोदी सरकार के समर्थन दे, जब भी मोदी सरकार को जरूरत पूरी, जगन थे, चंद्रबाबू नायडू एक सीएम थे उस वक्त, उनको इंटेलिजेंस उनके लोग ने नहीं बताया। बार बार बोला जाता है मस्जिद में हो जाए, चर्च में हो जाए, भाई आपका संस्था था, आपका वोट था, ऐसी गलती क्यों हुई? उसको कल्प्रिट को आप उसको पकड़िए। और बीजेपी का एमएलए भी उसका मेंबर था, वो क्या कर रहा था? बीजेपी का एमएलए, ठीक बात, विश्वनाथ नाम है, एसआर विश्वनाथ है, वो कुछ क्या कर रहा था? नहीं नहीं आदिल, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है सर। इसी नायडू सरकार ने इस, ये जो गड़बड़ी हुई उसको एक्सपोज भी किया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उस पर जांच भी चल रही है सर। और आपने जो बात कही वो सही है, लेकिन मैं डिबेट की लाइन पर लाता हूं। तौकीर रजा मरने मारने की बात कह रहे हैं, शाहीन बाग जैसा प्लान करेंगे, एक इलेक्टेड पीएम को धरना देकर उतार देंगे कुर्सी से, ठीक लग रहा है आपको? देखिए लोकतंत्र में, जब लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन लोकतंत्र में चुनावी सिस्टम है, आप वोट के हराइए। और नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 सीट पे लाया है, आपने देखा जब भाजपा सरकार, शिंदे जो हैं, एकनाथ शिंदे जब रामगिरी को संरक्षण देंगे, जब नीलेश राणे को संरक्षण देंगे, तो लोग, अब मेरे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस पर अगर कोई बोलेगा तो भाई जज्बात होगा ना, हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे ना इस देश। नहीं तो ठीक बात है, तो वजूद की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, संवैधानिक भावनाओं की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, कि मरने मारने की बात करके लड़ेंगे? अपने आप आदिल, मेरा ये सवाल है,
राकेश भाई अपने नबी के लिए अपने आप को मारने के लिए जान देने के लिए तैयार है। अरे आदिल प्लीज प्लीज समझिए, नबी के खिलाफ कोई भी कुछ भी कहेगा ये बर्दाश्त नहीं है इस देश में, और हम कभी उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मरने मारने की बात होगी इस देश में, इसका मतलब नहीं है कि सड़क पर उतर कर हिसाब करने की बात होगी। राकेश जी महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं लिया, और अभी तो सर जाइए ना अदालत में, पुलिस है अदालत है, आपका लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का अधिकार है वो भी ठीक है, राकेश भाई करिए संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल। हाजी ना मैं आ रहा हूं। 80 एफआईआर हुआ है रामगिरी पर, नीलेश राणे पर एफआईआर हुआ, कोई एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने तो सर जाइए ना अदालत में कि एफआईआर हो रहा है नहीं एक्शन हो रहा है, कि आप एफआईआर करेंगे आज सड़क पर उतर कर नीतीश राणे के खिलाफ हिसाब करेंगे। सर गुरु प्रकाश पासवानदा की बात कर रहे हैं, एक भी पासवानदा एमएलए एमपी नहीं है केंद्र सरकार में, एक मुसलमान एमपी मिनिस्टर नहीं है, ठीक है सर, पासवानदा नहीं है इनके पास मिनिस्टर एमएलए केंद्र में। चलिए गुरु प्रकाश एक छोटा रिप्लाई, क्योंकि इन्होंने आपका नाम ले लिया, फिर हाजी नाजिम आपके पास आ रहा हूं। नहीं नहीं मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार चांसलर तारिक मंसूर पसमंदा, उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री दानिश रिजवान अंसारी पसमंदा, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार राज्यसभा। अब जरा अब सुनिए, अब आपने सवाल पूछा था सर सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार राज्यसभा सांसद पहली बार खटाना गुलाम अली पसमंदा। आप बताइए पसमंदा कहाँ है, हम तो पसमंदा को विमर्श में लेकर के आए हैं। आज पद्मश्री हो पद्म सम्मान हो हर जगह पसमंदा समाज के लोग रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति पसमंदा समाज को रोक नहीं सकता है। पसमंदा समाज की नुमाइंदगी, पसमंदा समाज की रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा जल्दी बोल लीजिए आदिल, अभी नाजिम इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की भी तारीफ करिए, उनको मौका दीजिए, जल्दी बोलिए 15 सेकंड। अगर इतना पासमानदा से मोहब्बत है तो धारा 341 में जो मुस्लिम एससी एसटी है उनको 341 का बैरियर से हटाइए, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में डालिए, केंद्र में उसका प्रपोजल बिहार सरकार ने भेजा है, इतना पासमानदा से मोहब्बत है। आप कहेंगे वो रिप्लाई भी करेंगे, जल्दी से एक दो लाइन में रिप्लाई करिए गुरु प्रकाश, जल्दी से रिप्लाई करिए, बोलिए 341 हटाइए। नहीं ये दानिश अंसारी को पसमंदा नहीं मानेंगे, ये तारिक मंसूर दानिश अंसारी पसमंदा नहीं है क्या? अरे मेरे भाई तारिक मंसूर पसमंदा नहीं है क्या? यहाँ बताइए दानिश अंसारी पसमंदा नहीं है, तारिक मंसूर पसमंदा नहीं है। अरे भाई आप नहीं स्वीकार करिएगा, आप नहीं तय करिएगा, कोर्ट तय करेगा। दानिश रिजवान अंसारी है पसमंदा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला मंत्री, गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहला पसमंदा, तारिक मंसूर एएमयू का वीसी पहला पसमंदा, पसमंदा की रहनुमाई। अच्छा आप ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ गुरु भाई और आदिल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आदिल भाई रुक जाइए, रुकिए। अब हाजी नाजिम खान, आप तौकीर रजा को डिफेंड करेंगे या फिर उनकी आलोचना करेंगे? हाँ राकेश भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है संविधान को मानने की, और जिस तरीके से आप तौकीर रजा साहब के बारे में बार बार एक बात कह रहे हैं सर, एक बात साहब मत बोलिए प्लीज। हाँ सुन तो, इतना भड़काऊ कोई बोले उसको साहब मत बोलिए। हाँ, आगे अपनी बात रखिए। हाँ सुन तो लीजिए राकेश भाई, देखिए अभी मैंने तौकीर रजा को साहब कहा तो आपने आपत्ति दर्शाई, हाँ लेकिन जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर महंत रामगिरी जी का अगर किसी ने हाथ लगाया तो मस्जिद में घुस घुस कर चुन चुन कर। अरे वो गलत है। हाँ सुन तो लीजिए, नाजिम खान मैं उनको भी साफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि उनको साफ कहकर आप बुलाइए। हाँ सुन तो लीजिए राकेश भाई, देखिए आपत्ति हम लोगों को जब ये होती है, जब भेदभाव होता है हम लोगों के साथ। अच्छा। और मैं ये कहता हूं कि तौकीर रजा ने अगर कहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ, आप बताइए तौकीर रजा से सहमत हैं कि खिलाफ हैं? आप तौकीर रजा से हाजी नाजिम खान सहमत हैं कि उनकी खिलाफत में है? सुन लीजिए मैं इस मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून चाहता हूं, और मुल्क के अमन व सुकून की बात तो इसलिए तौकीर ने जो कहा गलत कहा। हाँ, देखिए मुस्लिम समाज बहिष्कार करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, बोलिए फिर। हाँ सुन तो लीजिए, तो राकेश भाई देखिए आप बार बार तौकीर रजा की बारे में बात कर रहे हैं, तो तौकीर रजा के बारे में फैसला करेगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। मैं तो ये कहता हूँ सुन तो लीजिए, साथ है कि तौकीर रजा के खिलाफ भारत के साथ हूँ, जो भारत के अंदर जो मेरा संविधान कहता है हम तो संविधान की बात मानते हैं, लेकिन तौकीर रजा अजब मजबूरी है। तौकीर रजा जो मरने मारने की बात करें, जो कहें शाहीन बाग जैसा प्लान, जो हिंदुओं को लेकर कहें कि मुस्लिमों ने कानून हाथ में ले लिया तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी, फवारे को शिवलिंग बार बार बताएं, सभी जुल्मों का हिसाब लेने की बात कहें, सीए को लेकर कहें कि कानून वापस नहीं तो गलियों में खून बहेगा,
तस्लीमा नसीन पर कहें कि सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख का इनाम, तिरंगा यात्रा को कहें कि सरकार धंधा कर रही है, उसके खिलाफत में खड़े नहीं हो पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक्दतन मिन निसानी यफकहु कौली। राकेश भाई, इनके बड़े नेताओं ने पहले ही कह दिया है कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे तो हिंदुओं को बचाने कब आएगा। ये लोग केवल उसी को फॉलो कर रहे हैं। और इनका एक सबसे बड़ा नेता मलेशिया में बैठकर बार बार गाइडलाइन दे रहा है, भड़का रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो मुसलमानों सड़कों पर आओ। वही काम ये तौकीर रजा ने किया है कि मुसलमानों सड़कों पर आओ, चलो दिल्ली कूच करो, धरना दो, लोकतांत्रिक सरकार को हटा दो। अरे मेरठ से जब भारतीय सैनिक निकले थे, अंग्रेज वहां पर थे, विदेशी सत्ता थी, अपने देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाना देशद्रोह है। और गुस्ताखे नबी की बात करते हैं कि नबी के बारे में कोई अपशब्द कहे तो अपने वतन के खिलाफ गद्दारी करना, ये गुस्ताखे नबी होता है। आप ब्याज खा रहे हैं, ये गुस्ताखे नबी होता है, अपने पड़ोसियों से नफरत कर रहे हैं, गुस्ताखे नबी होता है। भैया एक इंपॉर्टेंट बात, मैं मेरे भाई ये बता दो, सिर्फ मुझे इतना बता दो, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो सैयद आगे होगा, पसमांदा पीछे होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि इस्लाम एकता सिखाता है, इस्लाम में ना कोई पसमांदा होता है ना अल्लाह होता है ना पिछड़ा होता है। यदि मुसलमानों रुकिए, अरे हाजी नाजिम खान रुकिए ना, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आप अगला पिछड़ा पसमांदा कह रहे हैं, ये गुस्ताखे नबी है, कोई पसमांदा नहीं होता है, मुसलमान बराबर होते हैं। नहीं मैं आगे बढ़ता, अरे आगे बढ़ता, अभी 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 रुक जाइए, अभी 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 इस पर डिबेट नहीं है। साजिद रशीदी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, साजिद रशीदी पीछे खड़े होगा ऐसा होता है? साजिद रशीदी, तौकीर रजा की बातें क्या जाकिर नाइक से मैच नहीं करती है? और फिर ऐसे लोग क्या देश के लिए क्या बेहतर भाव पैदा करेंगे? 30 सेकंड में बोलिए। देखिए किसकी बातें किससे मैच करती हैं, मैं हिंदुस्तान के हालात पर बात कर रहा हूं, जो मैंने पहले सेगमेंट में भी कही कि ये जो कुछ हो रहा है क्या इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री का आज तक कोई बयान इस पर नहीं आया कि ये मोबलिंचिंग जो हो रही है गलत हो रही है। तो किसने प्रधानमंत्री ने सही ठहरा दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सही ठहरा दिया? क्या देश के मुखिया को नहीं बोलना चाहिए? मैं एक सवाल मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, क्या देश के मुखिया को नहीं बोलना चाहिए? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, प्रधानमंत्री ने सही ठहरा दिया? पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, साथ दुष्कर्म हुआ उस पर नहीं बोले, भुवनेश्वर में एक सैनिक की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ उस पर नहीं बोले, मुसलमानों के साथ मोबलिंग पर नहीं बोलते? पहले आप तौकीर रजा पर बोल लीजिए ना सर, आप तौकीर रजा पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप तौकीर रजा पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी नहीं तौकीर आपकी सो कॉल्ड जो है, आप गलत को गलत कह देंगे तो आपकी कौमी एकता प्रभावित हो जाएगी। रजा ने कौन सा बम फोड़ दिया ऐसा? अच्छा तौकीर रजा, उसे राइट टू स्पीच, गुरु प्रकाश, गुरु प्रकाश, अल्लामा इकबाल ने बोले कहा मारने मारने की बात कर दो, कोई बम नहीं फोड़ा, शाहीन बाग जैसा प्लान कर लो, कोई बम नहीं फोड़ा। एक मैं एक लाइन का सवाल पूछता हूँ, ये आप लोग ऐसे मौलानाओं पर रोक लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि यूपी में भी आपकी सरकार, बरेली के मौलाना तौकीर रजा, और केंद्र में भी आपकी सरकार। रुक जाइए, डबल इंजन का दम कब दिखेगा? गुरुप्रकाश 30 सेकंड। नहीं राकेश जी देखिए, आपने आज एक्सपोज किया इनको, आज लाइव टेलीविजन पे भावनाओं में बह करके मौलाना जी कुछ ज्यादा ही बोल गए कि तौकीर रजा ने गलत क्या किया है। अरे भाई कोर्ट ने बोला है उनको, कोर्ट ने कहा है कि बरेली के राइट्स के मास्टरमाइंड थे, ये मेरे शब्द नहीं, ये कोर्ट के शब्द हैं। अब आप कहिए कोर्ट भी गलत बोल रहा है, या तो आप ये घोषित कर दीजिए कि तौकीर रजा और जितने भी मौलाना हैं वो देश के संविधान से ऊपर हैं, आप कह दीजिए वो देश के राष्ट्रपति से ऊपर हैं, उन पे देश का कानून लागू नहीं होता है। देश के कानून, देश के संस्थान और देश के कोर्ट ने कहा है, ठीक है। मैं आपको रोक रहा हूं सर, लेकिन एक बात है कि ऐसे भड़काऊ बयानों पर कंट्रोल करिए, दोनों जगह आपकी सरकारें डबल इंजन का दम दिखे, वरना ये ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे।